मसा वो जो दवाइयों की लिस्ट दी थी आपने हमें, वो सारी दवाइयां हमने मंगा ली है। ये रही दवाइयां। शुक्रिया। और हाँ, वो कुछ नई दवाइयां भी आई है, सुना है कि शुगर के इलाज में बड़ा काम आवे है। दिखाइए। ये रही। मैंने देख के बताता हूँ आपको। चलो शेफ। दादाजी, नई वाली दवाई और पुरानी वाली दवाइयाँ एक साथ अच्छे से नहीं घुली तो अब क्या करेंगे? तो हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोनों भाभी साहब हमारे घर पे नई नई आई हैं, कनक भाभी साहब भी और पायल भाभी साहब भी। हमारे घर के नियम कायदे नहीं जानती तो क्या हम उन्हें अपने परिवार से अलग कर देंगे? नहीं, तेरी भाभी साहब कहीं नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। तू देखना, कुछ समय में वो हमारे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल जाएगी जैसे यहीं जन्मी हो। चलो। पायल, ये तुम क्या कर रही हो? मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया जीजी। समझ नहीं आ रहा मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। पायल, ऐसा क्या कर दिया तुमने? ओ, तो तुम प्याज खाने की बात कर रही हो? अरे, प्याज खाना कोई पाप थोड़ी ना होता है। सब्जी तो पूरा संसार खाता है, उसमें पाप कहाँ से हो गया? हाँ, और देखो, खाने पीने के मामले में ना पसंद नापसंद देखी जाती है, पाप पुण्य नहीं। जो पसंद है खाओ, नहीं पसंद है मत खाओ। तुम हर बात पर अपने आप को दोष देना बंद करो। आदित्य भी शादी से पहले अपनी मर्जी से चले गए थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नहीं जीजी, मासी साहब ठीक कहती है, हर औरत अपना भाग्य खुद लिखवा कर आती है। उनके जाने में भी कहीं ना कहीं मेरा ही भाग्य छुपा है। बकवास है ये सब, मैं नहीं मानती। अरे, आदित्य को शादी से पहले तुम कितना जानती थी? आदित्य तुम्हें कितना जानते थे? फिर आदित्य के भाग जाने में तुम्हारा हाथ कैसे हो सकता है भला? कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है ना। आदित्य से रिश्ता है तो उसके भाग जाने से भी रिश्ता है, उसके हर सही और गलत से रिश्ता है मेरा। यही तो वजह है मेरे जीने की। इस नाम से अलग तो कोई अस्तित्व ही नहीं है मेरा। कम से कम इस नाम से जुड़ी हो तो एक वजह तो है, एक उम्मीद है, नहीं तो बिना वजह तो पागल ही हो जाऊंगी। सही और गलत अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास जीने के लिए एक वजह है, बस इसीलिए जी रही हूं। पायल, छोटी सी बात में कितना कुछ कह दिया तुमने।
कभी कभी दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी का दोष हम खुद ही उठाएं। कम से कम कुछ तो होगा जीने के लिए। वाजी जी, आप तो मेरे दिल की बात एक मिनट में समझ गए। दर्द की भाषा तो वही समझ सकता है जिसने खुद दर्द को जिया। क्या तुम पर भी किसी ने कोई दोष लगाया है? कभी तुम भी किसी गलती की वजह बनी हो क्या? अरे सूरज और संध्या बेनी जो इस दुनिया से चले गए वो इसको बचाने के वास्ते गए। खा गई है ये हमारे सूरज और संध्या बीनड़ी को। ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से ये खाना खा लो, ठीक है? और ज्यादा सोचा मत करो। जी जी, माफ करना, मैंने तुम्हारी गलती के पीछे अपनी गलती छिपाई, दिल पर मत लेना। अरे ये सब तो चलता रहेगा, अब देखना आइंदा से ना मेरी गलती सामने नहीं आएगी। मासी सा से कभी कोई गलती छिपी है? हो ही नहीं सकता। हाँ ये भी बात सही है, चलो तुम खाना खा लो। खाते उमा शंकर, सचमुच पत्थर हो तुम, पत्थर हो तुम पत्थर। नियम धर्म के नाम पर सिर्फ अपने मनमानी करते आए हो। अगर पत्नी के कर्मों से पति का जीवन बनता बिगड़ता है तो अपनी उल्टी गिनती शुरू समझो। पायल की एक छोटी सी गलती पर उसे इतनी बड़ी सजा दी गई है। अब मैं तुमसे तुम्हारे ही बनाए नियम तुड़वाऊंगी, तब देखती हूँ तुम्हें क्या सजा मिलती है और तुम कैसे निभाती हो उस सजा। मेरे चेहरे से पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। भाभी सा, मैं बता सकता हूँ कि आप अभी क्या सोच रही हैं? कि काश शिव तुम मुझे आराम से बैठ के सब लोगों के घर के नियम बता देता और आज मुझे पर्वतासन न करना पड़ता, है ना? वैसे जितनी छोटी हाइट है तुम्हारी उतना बड़ा दिमाग भी है। अब देखो, मुझे तो सारे नियम जानने में 3-4 जन्म तो लग ही जाएंगे मिनिमम। तो एक काम करते हैं, एक से शुरुआत करते हैं। तो बताइए किसका नियम जानना है? तुम्हारे दादो सा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सुनिए, शाम को मरीज को देख के दादो सा घर आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं। और जब दादो सा ध्यान लगाते हैं वो अपने आप में इतना खो जाते हैं कि अगर कोई चाय भी ना उनका ध्यान नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि वो उस समय अपने दिन भर के कर्मों के बारे में चिंतन करते हैं। ओह, और ऐसे में अगर आंधी तूफान आ जाए तो भी उनका ध्यान नहीं टूटेगा? बिल्कुल नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा दादू सा का ध्यान भंग होते हुए। टूटेगा कैसे? तोड़ने वाली जो नहीं, अब तो साधना हो या नियम सब टूटेंगे लाइन से। माफ कर देना, माफ
दादा घर आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं। और जब दादा साहब ध्यान लगाते हैं वो अपने आप में इतना खो जाते हैं कि अगर कोई चाय भी ना उनका ध्यान नहीं तोड़ सकता। टूटेगी कैसे, तोड़ने वाली जो नहीं मिली। अब तो नियम हुआ साधन, सब टूटेंगे लाइन से। आंखें खुलते ही बोलना ओ सॉरी, गलती से पाइप उधर हो गया था। गुड जॉब कनक। आंखें खोलो उमा शंकर, बहुत निभा लिया धर्म, अब कर्म की बात करते हैं। फाइल के लिए जब नियम तोड़ना इतना आसान था तो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। वो अपने पाप का प्रायश्चित कर रही है, तुम्हें भी प्रायश्चित करना होगा। तुमने ही कहा था ना कि जिंदगी में संतुलन जरूरी होता है, आज खुद ही खो दिया संतुलन। संभालो अपने आप को,
संयम रखो थोड़ा। मुझे नहीं लाना सामान। संयम। हाँ जो भी। वैसे ये कैसा सामान? मेरा मतलब कैसा संयम है कि आंधी तूफान भी आ जाए तो भी कुछ असर ना हो? मुझे हर चीज बिल्कुल वैसी महसूस होती है जैसे तुमको और बाकी सबको, पर वो नियम ही क्या जो विपरीत परिस्थितियों में बदल जाए? बल्कि तब तो नियम के संयम की असली परीक्षा होती है। जो कुछ भी तुम बोल रहे हो वो तुम्हें खुद समझ आता है? हाँ, पर फिलहाल मेरे कान में पानी चला गया इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे इसके शरीर से ज्यादा भारी तो इसके डायलॉग है, ना ये समझ आता है ना इसकी भाषा। हे भगवान, जब देखो रामायण महाभारत के जमाने की भाषा बोलता रहता है। खैर, मैं इस नियमधारी को छोड़ूंगी नहीं। एक दिन नियम भी टूटेगा और सजा भी ये खुद भुगतेगा, तब इसे पता चलेगा पायल का दर्द। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।